सबसे पहले हम प्रेस से इस पट्टी को सीधा करेंगे और हम प्रेस को धीरे धीरे आगे करते जाएंगे। उसके बाद में हम ये बटन वाली, आगे से बटन है, वहाँ से हम प्रेस करेंगे और ऊपर तक ले जाएंगे और अच्छी तरह से प्रेस जमा के करना है और पानी लगा लेना है और प्रेस को अच्छी तरह से जमा के दबा के करना है और धीरे धीरे आगे खींचते हुए शर्ट को अच्छी तरह से प्रेस दबा लेना है। इस प्रकार से प्रेस को आगे बढ़ाता रहना है और पानी के छींटे मारते रहना है। नीचे से जो फोल्डिंग होती है उस पर अच्छे से प्रेस मारें। दोस्तों, प्रेस को गर्म करके रखनी होगी, न ज़्यादा न कम, मीडियम साइज पर आपको प्रेस रखनी होगी और बिल्कुल जहाँ जहाँ सिलाई आती है वहाँ वहाँ प्रेस करनी होती है। अच्छे तरह से दबा के प्रेस करनी है। उसके बाद में हम तीरे पर प्रेस करेंगे और यहाँ से अच्छी तरह से एडजस्ट करके और पानी लगा के और प्रेस को उठा के अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। उसके बाद में हम आस्तीन पर करेंगे। आस्तीन पर सीधा करके प्रेस को अच्छी तरह से दबाना है और इसको मोड़ के प्रेस को यहाँ रखना है। अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद में हम इस शर्ट को आगे से आस्तीन को ऐसे रखेंगे और अच्छी तरह से बिठाकर इसकी क्रीच बनाएंगे और पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद में हम अच्छी तरह से प्रेस करेंगे और अच्छी तरह से यहाँ पर दबाएंगे। दबाने के बाद में हम दूसरी साइड में प्रेस करेंगे। दूसरी साइड में प्रेस करेंगे अब हम इसको बिल्कुल अच्छी तरह से बैठा के प्रेस करनी है। और अब इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद हम बिल्कुल सीधी करेंगे और प्रेस मारेंगे। दोस्तों, प्रेस दबा के लगानी है और हल्का हल्का पानी भी डालते रहना है। अब हम दूसरी आस्तीन के करेंगे। सबसे पहले हम कफ के करेंगे अच्छी तरह से दबा के और चोक पट्टी पर करेंगे और बिल्कुल बीच में सेंटर में रख के प्रेस से दबा देंगे। और दबाने के बाद में हम आगे से अच्छी तरह से इसको शर्ट को जमा लेंगे। जमा लेने के बाद में हमको बीच में सेंटर करके और प्रेस लगा लेनी है। दोस्तों, प्रेस अच्छी से दबा के करनी है, बार बार करनी है।
उसके बाद में इसको मोड़ लेना है और पानी डाल के प्रेस से दबाना है। आगे तक प्रेस को ले जाना है और अच्छी तरह से जमाना है। उसके बाद हम कॉलर पर करेंगे। कॉलर पर पानी डाल के प्रेस से हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे, बिल्कुल प्रेस से दबा लेनी है। उसके बाद में हम दूसरी साइड में प्रेस करेंगे। दोस्तों, पट्टी का और कॉलर का विशेष ध्यान रखें और उसके बाद में इसको कॉलर को यहाँ से बीच सेंटर में से मोड़ते हुए प्रेस को ले जाना है। वो अच्छी तरह से इसको दबा के और बिल्कुल ऐसे प्रेस को जमाना है और इसको ऐसे धीरे धीरे से प्रेस को घुमाना है और इसको गोल राउंड में ऐसे बनाना है। लगातार 4-5 बार उसको प्रेस करनी है और ऊपर के साइड के बटन जुड़ लेना है। बटन जुड़ने के बाद में हम बटन लगते हैं, वहाँ पर पानी लगा के प्रेस करते हैं। इसके बाद में हम इसके शर्ट के बटन जुड़ते हैं। दोस्तों, बटनों को अच्छी तरह से जुड़ लें। उसके बाद में जुड़ने के बाद में अच्छी तरह से इसको शर्ट को बिछा लें। बिछा लें उसके बाद में बिल्कुल सही कर लें। शर्ट को हाथ फेर के आगे पीछे देख के अच्छी तरह से जमा लें। जमाने के बाद में हम उसके ऊपर पानी का छिड़काव करें और प्रेस से दबाएं। प्रेस मारते हुए अच्छी तरह से आगे बढ़ें और ऊपर कंधे तक ले जाएं और इसको आगे रक्षा ले। उसके बाद में इसे प्रेस करें। दोस्तों, वीडियो पूरी देखना, तभी आपको समझ में आएगी कि शर्ट के प्रेस किस प्रकार होती है। दोस्तों, प्रेस को ऐसे जमाना है और इसको अब शर्ट को पीछे से देख लेते हैं और अच्छे से इसको जमा लेते हैं और जमाने के बाद में पानी का छिड़काव करते हैं और अच्छी तरह से प्रेस मारते हैं। अच्छी तरह से प्रेस दबाएं। दोस्तों दोस्तों, प्रेस करने से ही शर्ट अच्छी दिखती है। फिर इसको ऐसे मोड़ के और यहाँ से बिल्कुल सीधी प्रेस करें और फिर इस आस्तीन को उठा के यहाँ पर रख दें और थोड़ा आगे करके पानी मार के और प्रेस की सहायता से आगे तक कंधे तक प्रेस ले जाइए। हल्का हल्का दबाते हुए प्रेस को
बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर मोड़ के अच्छी तरह से इसको जमा लेना है, बिल्कुल सीधी लाइन से, और फिर प्रेस करनी है। प्रेस अच्छी से करें दोस्तों। फिर दूसरी आस्तीन को यहाँ उठा के रख देना है अच्छी तरह से जमा के, और इसको यहाँ से मोड़ लेना है, और मोड़ लेने के बाद में अच्छी तरह से हाथों से चारों नोकों को देख लें और बिल्कुल अच्छी तरह से जमा लें। उसके बाद में प्रेस से दबा दें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अच्छे से दबाएं दोस्तों इसको, और बिल्कुल अच्छी दिखनी चाहिए।